गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जगत सब स्वप्न की भांति है, केवल भगवान का नाम ही सत्य है। इसलिए भजन करना चाहिए, राम नाम लेना चाहिए। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि बात तो सत्य है, भजन करना चाहिए, लेकिन जब समय मिले तब ना, इतना सारा काम है कि फुर्सत ही नहीं मिलती है कि भगवान का नाम ले। बात सत्य है, लेकिन इसके लिए भी संत रास्ता बताते हैं। इतनी व्यस्तता में भी हम भगवान का नाम ले सकते हैं। कैसे? मान लीजिए हम घर से जब अपने ऑफिस जाते हैं, अपनी गाड़ी पर बैठे हुए हैं, ऑफिस जा रहे हैं, तो बीच में जो रास्ते में हम चलते हैं वह समय हमारा खाली ही मानिए। हम बैठे हुए जा रहे हैं, मान लीजिए कार चला रहे हैं तो हाथ ना काम कर रहे हैं, मुख तो खाली ही रहता है उस समय, तो हम उतने समय भगवान का नाम अपनी जिभ्या से ले सकते हैं। हमारी माताएं हैं, जैसे घर में भोजन बनाती हैं, तो एक काम तो हाथ करते हैं ना, मुख तो खाली रहता है, तो उस समय भी हम आप भगवान का नाम ले सकते हैं। भोजन बनाते हुए हम किसी पड़ोसी की सास जेठाने की बुराई ना करते हुए हम भगवान का नाम लेते हुए भोजन बनाए तो वह फिर खाना नहीं बनेगा, वह प्रसाद बनेगा, और सब घर के लोग उस प्रसाद को पाएंगे तो कभी नुकसान भी नहीं करेगा। हमारा मन, हमारे विचार, हमारी बुद्धि भी सात्विक रहेगी, क्योंकि भजन करते हुए भोजन बनाया गया है। तो हम गृहस्थ में रह करके भी भगवान का नाम इन स्थानों पर ले सकते हैं। और हमारे तुलसीदास जी महाराज तो कहते हैं, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसु। चाहे भाव से लें, चाहे कुभाव से लें, चाहे आलस से लें, चाहे अनख से लें, जैसे भी भगवान का नाम लेंगे वह तो मंगल ही करेगा। कैसे? जैसे हम खेत में बीज डालते हैं, चाहे बीज उल्टा पड़े चाहे सीधा पड़े, वह तो समय पाकर के वृक्ष के रूप में तैयार हो जाएगा। तो भगवान का नाम जैसे भी लें, वह हमारे जीवन में मंगल ही करता है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, कहो कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सके ही नाम गुण गाई। मैं भगवान के नाम की बड़ाई कहां तक करूं, भगवान श्री राम जी भी अपने नाम की महिमा की व्याख्या नहीं कर सकते हैं। कौन कर सकता है? नाम के बल पर ही भगवान शंकर ने हलाहल विश्व को अपने गले में धारण कर लिया था। नाम प्रभाव जान शिव नी को, काल कूट फल दीन है अमी को। भगवान शंकर नाम के बल पर ही काशी में मरने वाले जीव को मुक्ति प्रदान करते हैं। मुक्त जन्म ही जान, ज्ञान खान अगहान कर, जहां बस शंभु भवान सो काशी से नकसना। नाम के बल पर ही महादेव जी अमंगल वेश धारण करने पर भी मंगल की राशि। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, और इतना ही नहीं, इनकी जो पत्नी है पार्वती जी, वो भी राम नाम का उच्चारण करती हैं। एक बार भगवान शंकर अपनी पत्नी पार्वती जी से बोले, देवी आइए मेरे साथ में भोजन ग्रहण करिए। पार्वती जी ने कहा, प्रभु विष्णु भगवान का 1000 नाम लेने का मैंने संकल्प लिया है,
जब वह सहस्त्र नाम पूर्ण हो जाएगा तब मैं भोजन ग्रहण करूंगी। महादेव जी ने कहा, देवी आप भगवान विष्णु जी का 1000 बार जो नाम ले रही हैं, इसी के बदले में आप 1 बार राम नाम बोल लीजिए तो भगवान विष्णु जी के 1000 नाम पूर्ण हो जाएंगे। महादेव जी के कहने पर देवी पार्वती जी राम नाम का उच्चारण करती हैं, भगवान विष्णु जी के 1000 नाम पूर्ण हो जाते हैं और अपने पति देव जी के साथ भोजन ग्रहण करती हैं। यह जब भगवान शंकर ने देखा, इतने प्रसन्न हुए कि पार्वती जी को अपने आधे अंग में धारण कर लेते हैं। महादेव जी अर्धनारीश्वर भी कहलाए जाते हैं। अपना आभूषण उन्होंने पार्वती जी को बना लिया, जबकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि नारी का आभूषण पति है, लेकिन यहां पति ने पत्नी को अपना आभूषण बना लिया। तुलसीदास जी ने मानस में लिखा है कि सहस नाम सम सुने सिरी बानी, सुन शिवानी जप जी पी संग भवानी। महादेव जी के मुख से यह शब्द सुनकर के पार्वती अति प्रसन्न हुए कि राम नाम भगवान विष्णु जी के 1000 नाम के बराबर है। महिमा जासु जान गणराऊ प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। भगवान गणेश राम नाम का प्रभाव जानते हैं। जब देवताओं में बात रखी गई कि प्रथम पूज्य कौन बने, कौन ऐसा देवता है जिसकी प्रथम पूजा की जाए, सब देवता खड़े हो गए, बोले हम इस योग्य हैं, हमारी पूजा की जाए। कोई अपने आप को कम बताने के लिए तैयार ही नहीं। भगवान शंकर ने कहा, ऐसे नहीं, आप लोग पहले एक काम करो, इसके बाद हम निर्णय करेंगे कौन प्रथम पूज्य है। बोले क्या करना है? महादेव जी ने कहा, पहले आप लोग इस ब्रह्मांड की परिक्रमा करके आ जाओ। जो सबसे पहले ब्रह्मांड की परिक्रमा करके हमारे पास में पहुंच जाएगा वही देवताओं में प्रथम पूज्य माना जाएगा। अब सब देवता जो है अपने वाहनों पर बैठ करके ब्रह्मांड की परिक्रमा करने चल पड़े। कोई हाथी पर बैठा है, कोई मोर पर बैठा है, सब चल रहे हैं। भगवान गणेश जी भी अपना वाहन जल्दी से निकाले, बैठ करके चल दिए। उन्हें देख करके सारे देवता हंसने लगे, गणेश जी का वाहन चूहा है, इतने बड़े गणेश जी, इतना छोटा सा चूहा, उस पर बैठे वो भी चल पड़े ब्रह्मांड की परिक्रमा के लिए।
गणेश जी देखते हैं मुझे हंस रहे हैं, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया, अपने कर्म में लग गए। अब सामने से देवऋषि नारद जी आ रहे थे। देवताओं ने देखा कि नारद बाबा आ रहे हैं, अब ये रोक लेंगे बीच में तो हमारे इससे ब्रह्मांड की परिक्रमा में व्यवधान आ जाएगा, यही समय काफी लग जाएगा, इनसे मिलना नहीं है, इनको तो बस साइड में करके निकल जाएं। जितने देवता थे भगवान नारद जी से आंख बचा बचा करके निकल गए, कोई देवता नारद जी से नहीं मिला। नारद जी समझ गए, जब पीछे और देखते हैं सबसे पीछे तो गणेश जी चले आ रहे थे। गणेश जी ने जैसे देवऋषि नारद जी को देखा, तुरंत अपने वाहन से उठ करके खड़े हुए और जाकर के देवऋषि नारद जी के चरणों में प्रणाम किया। ध्यान रखिएगा, हम आपको इस कथा से शिक्षा ये मिल रही है, हम कितना भी जल्दी के कार्य में जा रहे हों और रास्ते में कोई साथ संत मिल जाए तो उन्हें प्रणाम जरूर करना चाहिए, क्योंकि साधु ते होए न कार्य हानि, संत से मिलने में कभी कार्य में हानि नहीं होती है, सफलता ही मिलती है। भगवान गणेश जी नारद जी से मिले। नारद जी ने कहा, पहले ये बताओ कि कहाँ जा रहे हो और इस सब देवता कहाँ जा रहे हैं। गणेश जी ने कहा, महादेव जी ने सबके लिए काम दिया है, जो ब्रह्मांड की परिक्रमा करके जल्दी हमारे पास में प्रथम लौट आएगा वही देवताओं में प्रथम पूज्य माना जाएगा। तो सभी ब्रह्मांड की परिक्रमा करने देवता जा रहे हैं। नारद जी बोले, आप भी जा रहे हो? बोले हाँ। नारद जी ने कहा, तो आप जरा देखिए आपका जो वाहन है, ये आपको कभी इनसे आगे लौट आकर के ले आएगा? आप तो विवेक के देवता हैं और फिर भी अज्ञानियों जैसा कार्य कर रहे। गणेश जी ने कहा, नारद जी आप सत्य कह रहे हैं, मैं विवेक का देवता हूं, लेकिन विवेक का तात्पर्य ये नहीं है कि वह निष्क्रिय होकर के बैठ जाए। विवेक किसी को निष्क्रिय होने के लिए नहीं कहता है। मैं जानता हूं कि मैं इनसे जल्दी नहीं आ सकता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं एकांत जाकर बैठ जाऊं, मुझे अपना कर्म करना चाहिए। आप मुझे सफलता मिले चाहे ना मिले, लेकिन कर्म से पीछे नहीं हटना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने कर्म का पालन करना चाहिए, फिर सफलता मिले ना मिले ये तो भगवान पर निर्भर है। गणेश जी कहे भाव सुनकर के नारद जी बड़े खुश हुए और देवऋषि नारद जी ने कहा, आप पहले एक काम तो करो। बोले क्या? आप जहां पर खड़े हैं वहीं पर आप उसी स्थान पर आप राम नाम लिख लीजिए और राम नाम की परिक्रमा कर लीजिए तो ब्रह्मांड की परिक्रमा हो जाएगी। गणेश भगवान संत नारद के कहने पर वहीं पर राम नाम लिखा और चूहा में बैठ करके उस राम नाम की परिक्रमा करते। क्यों? इसलिए कि राम ही ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड ही राम है। सीए राम में सब जग जाने, करो प्रणाम जोर जुग पाने, सारा संसार ये राम में है। यह भाव रखते हुए गणेश भगवान राम नाम की परिक्रमा करके अपने पिताजी के पास में पहुंच गए और बोले, पिताश्री मैंने ब्रह्मांड की परिक्रमा कर ली, सारा हाल सुनाया। सुन करके भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए और जो देवता ब्रह्मांड की परिक्रमा में जा रहे थे उन्होंने देखा कि हमारे आगे जो है चूहा के चरण बने हुए हैं, सब बड़े आश्चर्य में पड़ जाते हैं। ये गणेश जी का चूहा तो बड़ा पीछे था, आगे कैसे आ गया? फिर भी परिक्रमा करके जब लौटे महादेव जी के पास तो देखा वहां गणेश भगवान तो पहले से ही बैठे हुए थे।
भगवान शंकर ने सभी देवताओं के सामने घोषणा कर दिया कि प्रथम पूज्य गणेश है, इन्हें राम नाम पर विश्वास है, संत के प्रति श्रद्धा है, संत की वाणी पर विश्वास है। तभी तिन्होंने नारद जी को प्रणाम किया और उनकी बात को मान करके राम नाम की परिक्रमा की और पिताश्री के पास लौट आए। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि महिमा जा सुजाने गने राम, महिमा जासु जान गन राउ, प्रथम पूज्यत नाम प्रभाव। नाम के प्रभाव से भगवान गणेश भी देवताओं में प्रथम पूज्य बने। ये नाम का प्रभाव है। वाल्मीकि भी ब्रह्म के समान बने हैं तो ये भी नाम का ही प्रभाव है। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। जान यादि कवि नाम प्रतापो भयो शुद्ध कर उल्टा जापो। और नाम के प्रभाव से ही नारद जी भगवान नारायण को बहुत प्रिय है। नाम के प्रभाव से ही भगवान हनुमान जी महाराज राम को प्रिय है, क्योंकि हनुमान जी महाराज दिन रात राम राम जपते हैं। तो हम आपको भी इन कथाओं से शिक्षा मिलती है कि भगवान के नाम का भजन करना चाहिए। तुलसीदास जी महाराज ने राम नाम की वंदना का बड़ा ही सुंदर प्रसंग लिखते हुए अंत में यहाँ तक कह दिया, कहो कहाँ लग नाम बड़ाई, राम न सके ही नाम गुण गाई। मैं भगवान के नाम की बड़ाई नहीं कर सकता, क्योंकि श्री राम भी अपने नाम की महिमा की व्याख्या नहीं कर सकते। श्री राम जी ने तो एक अहिल्या को उद्धार किया था, राम नाम ने तो कई अहिल्याओं को उद्धार कर दिया है। राम जी ने एक ताड़का को मारा था, श्री राम जी के नाम ने कई ताड़काओं को मार दिया। राम जी ने एक रावण को मारा था, राम नाम ने कई रावणों का संहार कर दिया। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं, प्रभु जब तक इस शरीर में श्वास रहे तब तक आपकी कथा कानों में पड़ती रहे और जिभ्या से भगवान का नाम लेते रहे, क्योंकि जीवन का यही सार है। तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं, सिय राम स्वरूप अगाधि अनूप, तिलोचन मीनन को जलु है, श्रुति राम कथा मुख राम गुना, हिये पुन राम मही को थलु है, मति राम ही सो गति राम ही सो, रति राम सो राम मही को बलु है, सभी की न कहे तुलसी की मती, इतनो जग जीवन को फल है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं,
नेत्रों से भगवान के स्वरूप का दर्शन करना चाहिए, जिभ्या से भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए, भगवान के चरणों में हमारी रति होनी चाहिए, प्रेम हो, हमारी सुंदर मति हो, हमारी सुंदर गति हो, बस यही जीवन का फल है। लेकिन सबकी न कहे तुलसी के मते, इतनो जग जीवन को फल है। ये मैं अपने मत की बात कहता हूं कि यही जीवन का फल है। और एक बात आप लोग ध्यान रखेंगे, गोस्वामी जी महाराज ने जो रामचरितमानस लिखी है उससे पूछा गया कि आप एक किनके लिए लिख रहे हैं, तो तुलसीदास जी कहते हैं स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, मैं अपने सुख के लिए इसकी रचना कर रहा हूं। किसी को अच्छा लगे तो पढ़ लें, सुन लें, और अच्छा नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, मुझे तो आनंद की प्राप्ति हो ही रही है, मुझे तो परम विश्राम की प्राप्ति हुई है भगवान की कथा लिखने से। तो गोस्वामी जी महाराज कहते यही जीवन का सार है, भगवान का भजन, भगवान की कथा सत्संग में जाकर के सुने। कथा सुनने से कई फायदे भी हैं, ध्यान रखना। कुछ लोग कहा करते हैं ना, इससे कुछ फायदा हो तो हम करें, ऐसे फालतू में क्यों करें। हर चीज जो है हम आप लोग लाभ के लिए करते हैं, फायदे के लिए करते हैं, इससे क्या फायदा है। एक बार एक महात्मा जी से एक व्यक्ति ने कहा, महात्मा जी पहले बताइए कथा सुनने से क्या फायदा है, भजन करने से क्या फायदा है, पूजा पाठ करने से क्या फायदा है। महात्मा जी ने कहा आप ही बोलते रहोगे कि हमें भी बोलने का मौका दोगे। वह बोला हाँ महाराज, आप भी बोलिए बताइए। महात्मा जी बोले आपने इतने सारे फायदे पूछे, एक फायदा मैं भी आपसे पूछ लूं। हाँ महाराज पूछिए। महात्मा जी ने कहा बस आप मुझे इतना बता दीजिए कि आपके पैदा होने से क्या फायदा है, बस इतना ही बता दीजिए, सारे फायदे हम बता दें। उसने कोई उत्तर नहीं दिया। तो इसी प्रकार से महात्मा, संत महात्माओं से पूछा जाता है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से पूछा गया कि आप बताएं कि आप कहते हैं सत्संग में जाकर कथा सुनना चाहिए तो इससे क्या फायदा है। गोस्वामी जी महाराज ने कहा जब हम सत्संग में जाते हैं तो भगवान की कथा सुनने को मिलती है। अच्छा कथा सुनेंगे इससे क्या फायदा है। बाबा जी ने कहा जब कथा सुनेंगे तो हमारे अंदर का अज्ञान मोह सब समाप्त हो जाएगा। अच्छा मोह समाप्त हो जाएगा तो इससे क्या फायदा होगा। गोस्वामी जी महाराज ने कहा जब मोह समाप्त हो जाएगा, अज्ञान मिट जाएगा, तो भगवान के चरणों में प्रेम हो जाएगा। अच्छा भगवान से प्रेम हो जाएगा तो इससे क्या फायदा है। तो संत जी ने कहा जब भगवान से तुम्हारा प्रेम हो जाएगा तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। कि बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भागे, मोहि गए बिनु राम पदे, होइ न दृढ़े अनुरागे। सत्संग में ही भगवान की कथा मिलेगी, इसी से मोह भागेगा, तभी प्रभु के चरणों में दृढ़ अनुराग होगा। और भगवान हमसे क्या चाहते हैं, तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल ये।
प्यारा, जान ले वो जो जान ने हारा, भगवान को केवल प्रेम चाहिए। और ईश्वर के प्रति प्रेम तभी होगा जब हम आप भगवान की कथा सुनेंगे।